पॉइंटेड जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम लोग इतिहास के प्रमुख विद्रोह तथा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर चर्चा कर रहे थे, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे। इससे पहले दो वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप लोग उन वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें प्रमुख कृषक विद्रोह और आपके जो है जनजातीय विद्रोह हैं, और आज हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे राजा राम मोहन राय व ब्रह्म समाज। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1772 में राधा नगर बंगाल में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। और राजा राम मोहन राय को राय राया की उपाधि प्रदान की गई थी, और ये संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, यहूदी समेत लगभग 12 भाषाओं के ज्ञाता भी थे। इनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, भारत में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे। ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और जातिवाद की आलोचना की थी। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा, 1819 में कलकत्ता एकतावादी समिति, और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसका डेट याद कर लीजिएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, कलकत्ता एकतावादी समिति का 1819 में, और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 1828 को ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की है। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही जो है सती प्रथा की समाप्ति हुई, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और कब? 1829 में। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज पुनर्गठित किया था, और टैगोर ने विधवा विवाह, बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति, स्त्री शिक्षा एवं अन्य अधिकार व स्थिति में सुधार आंदोलन को पुनः संचालित किया था। 1866 ईस्वी तक वे ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते रहे। इससे पूर्व द्वारकानाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो द्वारकानाथ टैगोर ने। सन 1857 में केशव चंद्र सेन ने सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए, और उन्होंने ब्रह्म समाज की शाखाएं जो है देश भर में खुलवाई थी। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का गठन किया तथा देवेंद्रनाथ के संगठन को आदि ब्रह्म समाज उस समय कहा जाने लगा था। और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और सेन के प्रयत्नों ने ही ब्रह्म समाज के विचार महाराष्ट्र में प्रचारित हुए तथा 1849 में ब्रह्म परमहंस सभा की स्थापना हुई थी। 1878 में सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ हिंदू रीति रिवाज से कर दिया था। इससे उनके अनुयायी उनसे अलग हो गए थे। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री ने अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने। अब इनके द्वारा किए गए धार्मिक सुधार देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के द्वारा मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद की आलोचना की। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद की उपासना करना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध और अवतारवाद का जो है ब्रह्म समाज ने खंडन किया था। उन्होंने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया और वेद उपनिषद के माध्यम से इस बात को भी प्रमाणित करने का उन्होंने प्रयास किया था। ब्रह्म समाज के द्वारा किए गए राजनीतिक सुधार अब हम लोग देख लेते हैं। उन्हें अतीत व भविष्य के मध्य सेतु या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक व आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ये प्रश्न आपका परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय
को कहा जाता है। 1804 में फारसी भाषा में तुहत फुतल मुहाविद्दीन नामक पत्रिका प्रकाशित की और 1819 में बंगाली भाषा में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका संवाद कॉमेडी का भी इन्होंने शुभारंभ किया। ये इम्पोर्टेंट है ये दोनों ही कि फारसी भाषा में एक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। संवाद कॉमेडी का शुभारंभ किसने किया था, तो वो भी राजा राम मोहन राय ने किया था। 1822 में मिरातुल अखबार पत्रिका का भी प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। ये भाषा देख लीजिएगा किसमें, फारसी में। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक का भी प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। एंग्लो भाषा के व्याकरण का संकलन भी इन्होंने किया था। उन्हें भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1850 में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से तथा बाद में सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें युगदूत की उपाधि से विभूषित किया था। दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने की दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने, और राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज द्वारा किया गया शिक्षा में सुधार देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1816 में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और बाद में यही प्रेसिडेंसी कॉलेज भी बना। 1817 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना, 1825 में वेदांत महाविद्यालय की भी इन्होंने स्थापना की थी। याद रखिएगा, हिंदू विश्वविद्यालय, 1825 में वेदांत, और 1817 में एक अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। यह पाश्चात्य प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और राजा राम मोहन राय का मानना था कि आधुनिक विचार के प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी को। आर्य समाज के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम लोग दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टनकारा ग्राम में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का मूल नाम शंकर था। उनके गुरु विरजानंद थे। उनकी मृत्यु 1883 में अजमेर में हो गई थी। इनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार अब देख लेते हैं। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। डेट और जगह दोनों याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 1875 में बंबई में हुई थी। और इसका उद्देश्य था भारत की धार्मिक सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से इसको एकीकृत करना। और इनका नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो। कई बार पूछा जा चुका है वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया, तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, इन्होंने अस्पृश्यता जातिगत भेदभाव का विरोध किया और सामाजिक उन्नयन के लिए स्त्रियों के उत्थान पर भी इन्होंने जोर दिया था। इनके द्वारा किए गए धार्मिक कार्य और विचार और इनके कार्य देखते हैं। 1863 में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए इन्होंने पाखंड खंडनी पातिका लहराई थी। ये पूछा जा चुका है आपके प्रश्न, आपकी परीक्षा में, कि पाखंड खंडनी पातिका किसके द्वारा लहराई गई या किसके द्वारा यह चलाया गया था, तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा चलाया गया था। कब, 1863 में। और 1882 में इन्होंने गौ रक्षणी सभा की भी स्थापना की थी। 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की गई। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक हिंदी में लिखी गई थी। इसके अलावा वेद भाष्य भूमिका पुस्तकों की भी इन्होंने रचना की थी। सबसे इम्पोर्टेंट है सत्यार्थ प्रकाश, कई बार पूछा जा चुका है किसके द्वारा लिखित है, तो ये जो है ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। और लाहौर में आर्य समाज की स्थापना जो है इन्होंने 1877 में की थी। दयानंद सरस्वती जी जो
शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। दयानंद ने वेदों को हिंदुत्व का सार माना और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसके मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। आगे देखते हैं इनके द्वारा किए गए राजनीतिक कार्य। आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरे देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। एनी बेसेंट ने कहा था, स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत भारतीयों के लिए का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और ये बात किसने कही थी, ये बात एनी बेसेंट ने कही थी। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन ऑर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है कि वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन ऑर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, इनके द्वारा 1886 में लाहौर में प्रथम एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई थी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम प्रमुख थे और इन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है, आर्य समाज के द्वारा 1902 में गुरुकुल की स्थापना की गई थी। आर्य समाज 1892 से लेकर 93 में दो गुट में बट गया था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हंसराज व लाला लाजपत राय थे। दोस्तों अब रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं। रामकृष्ण स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1834 में बंगाल में हुगली जिले के कमारपुर कुरुक ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। 17 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के कलकत्ता आ गए थे, जहां 1856 में दक्षिणेश्वर स्थित काली देवी के मंदिर में ये पुरोहित हो गए थे। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। दक्षिणेश्वर मंदिर में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। पत्नी शारदा मणि से माता की तरह व्यवहार किया। उनकी मृत्यु 1886 में हो गई। परमहंस की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु की शिक्षा को प्रचारित किया और नरेंद्र नाथ को ही हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं। और विवेकानंद का जन्म 9 जनवरी 1863 की 63 को कलकत्ता के एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। महाराज खेतड़ी के कहने पे उन्होंने अपना नाम बदल के क्या रख लिया था, विवेकानंद। और 5 मई 1897 के गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। याद रखिएगा डेट 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। सामाजिक विचार और कार्य देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन का। स्वामी विवेकानंद का ये कहना था कि मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू नहीं पोंछ सकते, किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा था कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ देश सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूँ। ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में एक बार पूछा गया है, तो इसलिए याद रखिएगा इसको। धार्मिक विचार देख लेते हैं। परमहंस करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा को ही ईश्वर का एक रूप मानते थे। विभिन्न धर्मों में निहित मुझको स्पर्श मत करो वाद की कटु आलोचना करते थे। उनका प्रसिद्ध कथन था, यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो। रामकृष्ण परमहंस का ये मानना था कि अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो। भारत में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वासों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था, हमारा धर्म रसोई घर में, हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है और हमारा धर्म है मुझे मत छुओ। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ये रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा कहा गया था। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण देख लेते हैं। 11 सितंबर 1893 को शिकागो तथा 1900 में पेरिस में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। शिकागो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि शिकागो विश्व धर्म
सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1893 में ये आयोजित किया गया था। विश्व भर में धर्म प्रचारक केंद्र की स्थापना की, जिसमें सैन फ्रांसिस्को स्थित वेदांत समाज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि वेदांत समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। स्वामी विवेकानंद को भारत के देशभक्त संत की उपाधि से विभूषित किया गया था। भारत का देशभक्त संत कौन है? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी का कहना था, जब तक देश के लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण कर उनकी परवाह नहीं करते। उन्होंने उन्होंने अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत तथा बंगाली में उद्बोधन नामक पत्रों को प्रकाशित किया, और राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग उन्हीं की रचना है। ये इम्पॉर्टेंट है। आज का आप 10+10 वीडियो अगर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है, और उन्होंने अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत तथा बंगाली में उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आप जो है परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। और स्वामी विवेकानंद को यह किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दोस्तों, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। सन 1867 ईस्वी में बम्बई में केशव चंद्र सेन तथा डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक ईश्वर की आराधना तथा समाज सुधार था। अन्य महत्वपूर्ण इसमें नेता थे महादेव गोविंद रानाडे तथा एन जी चंद्रावरकर, ये सब इसके जो है प्रमुख नेता थे। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात आएगी तो इसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग, और मेनली इनका नाम आता है महादेव गोविंद रनाडे। आगे देखते हैं, इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 1871 में रनाडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना की। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? रनाडे को। वे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। पूछा जा चुका है कि महादेव गोविंद रनाडे किसको अपना गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। रनाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नाम से 39 अनुच्छेदों वाली पुस्तक लिखी है। ये इम्पोर्टेंट है, उसमें 39 अनुच्छेद हैं, और इस पुस्तक का नाम है एक आस्तिक की धर्म में आस्था। उनके प्रमुख सहयोगी में केशव कर्वे थे, जिन्होंने 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। रनाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, जो बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज बना। इस सोसाइटी के सदस्यों में तिलक गोखले और आगरकर थे। डक्कन एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की, जो बाद में क्या हो गया था? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना की जब बात होती है तो इसमें जो मेन नाम आता है वो आपका आता है महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्मरंग पंडुरंग का। केशव चंद्र सेन जो थे, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही डॉक्टर आत्मरंग पंडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे जिनने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। दोस्तों, ये था हम लोगों का आज का वीडियो। आज इसका ये थर्ड पार्ट था, इसका फोर्थ पार्ट जो है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।